हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है रैंडम सेना और एलवी यादव और रजत दलाल के बीच में। इन तीनों के बीच में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम सेना की। क्या सच में रैंडम सेना अरेस्ट हुए थे, इसके ऊपर अपना वो रिएक्शन दिए। अभी हाल ही में ऐसे यूमर फैले थे कि रैंडम सेना अरेस्ट हो चुके हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उनकी तरफ से ऑफिशियल कोई भी रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन वो कल ट्विटर पे लाइव आए थे और उन्होंने कुछ ये कहा था। हम सुने भाई, कल रैंडम सेना के दुश्मन लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। रैंडम सेना अरेस्टेड, ये वो दिस्टैट, मेरी जाति को गाली दी जा रही थी, अरेस्ट हो गया, ये वो दिस्टैट, क्यों करते हो भाई ऐसा ये सब। रैंडम सेना अपने यूट्यूब पे एलवी यादव के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा वीडियो अपलोड किए। ऑलरेडी एलवी यादव के ऊपर और उनकी टीम के ऊपर काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए थे रैंडम सेना ने। इस चीज को दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके कुछ ये कहे। मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सटन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सटन चला गया, पिटाया मैक्सटन, कुटाया। उसके बाद मैक्सटन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे। मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो एफआईआर करो, तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। मैक्सटन के एफआईआर करने पे ही एलविश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एलविश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है कि एलविश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। मैं मैक्सटन की बात कर रहा हूँ, इस टाइम की बात करो। मैक्सटन का मैटर हम सुलझाएंगे आपको रैंडम सेना से। उसे सुलझाओ ना, इतना भी मचड़ा फैल रहा है, इसको ठीक करो यार। तुम्हारा मैटर तो चल ही नहीं रहा, अभी मैटर ही दूसरा चल रहा है। मैटर हम सुलझाएंगे ना एलविश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। एलविश यादव ऐसे कट्टर हिंदू हैं जो श्रीराम के नाम पे हुडी बेच के अपना घर भरते हैं, और वही प्रभु श्रीराम और माँ सीता को गाली देने वाले मुनव्वर को गले लगाते हैं, उसके साथ व्लॉगिंग करते हैं। आपके कटारिया भाई का ये कि हाँ एलविश भाई सोए हैं बहुत लड़कियों के साथ, हम लड़की भी ले आएंगे, आपका बिजनेस तो खा लेंगे हम। अभी तक आपने सट्टा प्रमोशन वाला हटा